हेलो, मैं हूं दीप। पता चल गया कौन सी पेंटिंग करेंगे? बहुत ही इजी पेंटिंग स्टेंसिल के साथ। किस तरह से करेंगे, आइए पहले स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूं डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से पेंटिंग करनी है। तो ये जो स्टेंसिल है, इसमें डिज़ाइन है चार, 1 2 3 4। ये अलग है, ये अलग है, ये कॉर्नर वाला है, ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर पे डालने वाला है। और छः, ये वो है डिज़ाइन जो छोटी छोटी बूटियाँ हम डालना चाहते हैं। हम आज क्या करेंगे, हम करेंगे ये वाला डिज़ाइन। ये जो स्टेंसिल है आप घर पे भी बना सकते हो, ये वाला रेडीमेड है, लेकिन जब हम घर पे बनाएंगे तो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, इतने अच्छा डिज़ाइन नहीं बनता। ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। देखिए, ये वाला मैंने रेडीमेड लिया है, बहुत ही कम प्राइस में। ये सिर्फ 25 रुपये का है, जिसमें हमको 3-4 डिज़ाइन मिल गए। हम 3-4 डिज़ाइन 3-4 ड्रेसेस पे बनाएंगे, फिर इसको रिपीट भी कर सकते हैं। इसको हम साफ करके फिर से रख सकते हैं, फिर से अपनी मम्मा के सूट पे, अपनी सिस्टर के सूट पे, फिर मतलब किसी और सूट पे भी ये वाले डिज़ाइन हम रिपीट कर सकते हैं। प्राइस कुछ भी नहीं है, आप 2 खरीदिए 3 खरीदिए, कितनी सारी पेंटिंग आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हल्की प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको हम पानी से वॉश करेंगे और फिर इसको साफ करके फिर से रख देंगे, फिर इसको रीयूज़ करेंगे। तो आज की पेंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, ये जो कपड़ा है ये तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ले रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे कि आपकी ड्रेस है, आपका सूट है, आपने मार्किंग कर लेनी है जहाँ जहाँ पे हमने पेंटिंग करनी है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमने स्टार्ट करना है, हमने वहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन टिका लेना है। ये छोटा है स्टेंसिल, इससे बड़े भी मिलते हैं, तो मैं ऐसे टिका रही हूँ। अगर आपको लगे कि ये हिल सकता है, ये बिल्कुल भी पेंट करते टाइम हिलना नहीं चाहिए। इसको हम यहाँ से सेलो टेप लगा के 3 जगह पे 4 जगह पे इसको फिक्स कर सकते हैं टेप के साथ। वैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि कपड़े को पिन के साथ इस तरह से अटैच कीजिए, लेकिन कपड़ा तो हम कर लेते हैं, वो निकल जाता है, एज इट इज़ हो जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक है तो ये ख़राब हो जाएगी। इसलिए सेलो टेप के साथ हल्का हल्का यहाँ से इसको फिक्स कर लीजिए। फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे कलर, जिस भी कलर के साथ हमने पेंट करना है। मैं ले रही हूँ पर्पल एक्रेलिक कलर, इसकी जगह पे आप फैब्रिक कलर भी ले सकते हैं। कलर हम लेंगे किसी भी ट्रे में, प्लेट में, किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में या ट्रे में लीजिए, क्योंकि वो साफ़ हो जाता है। आपने इस तरह से इसको, ट्रे को मैसी नहीं रखना मेरी तरह, आपने साफ़ कर लेना उसको काम करने के बिल्कुल बाद, बिल्कुल साफ़ रहेगा फिर वो। फिर हम लेंगे एक स्पॉन्ज का टुकड़ा, सिंपल स्पॉन्ज मार्केट से मिल जाता है, बना बनाया स्पॉन्ज भी मिलता है इसके लिए, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल मुझे टुकड़ा मिला है। तो इसको हमने इस तरह से, या तो इसको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, नहीं तो इसको इस तरह से पकड़ना आसान होता है, ठीक है। इस तरह से हमने पकड़ लिया, टाइट कर लिया। यहाँ पे हम लगाएंगे कलर, यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमने कलर लगाना है, लगा लिया। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन हम बना रहे हैं सेंटर वाला, तो इसको हिलने नहीं देना, मैंने टेप नहीं लगाई, आप ज़रूर लगाइए। इस तरह से जब कलर स्टार्ट हो गया लगना, तो इसको तो हिलने नहीं देना, फिर से कलर लगाएंगे। ये मैं सिंगल शेड में बना रही हूँ, इसको हम 2 कलर में भी बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता आपको ये मुश्किल लग रहा होगा पेंट करना। ये सिंगल कलर में हमने बनाया, बहुत इजी है। इस तरह से हमने पेंट कर लिया, उसके बाद यहां से हमने ऐसे उठा लेना है, तो ये हमारा डिजाइन बन गया। ये में हमने एक शेड में बनाया, इसको हम 2 शेड में भी बना सकते हैं। ये हम सिंगल कलर वाला कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको 2 कलर में बताऊंगी। ये मैंने लिया है गोल्डन कलर, ये वाला गोल्डन कलर बॉटल में भी मिलता है, गोल्डन मेटैलिक कलर लिखा होता है, लेकिन मैंने गोल्डन डस्ट के साथ इसको बनाया है। किस तरह से बनाया है,
गोल्डन डस्ट को मैंने इसमें डाला और बाइंडर डाला और मिक्स कर दिया। कितना कितना बाइंडर डाला, कितनी मैंने डस्ट ली है, वो मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी फ़ोटो आप साइड में देख रहे हैं। ये वाली वीडियो आप देखिए, उसमें डिटेल में बताया गया है, सारी पेंटिंग गोल्डन वर्क की है। तो उसमें देखिए किस तरह से ये वाला गोल्डन आउटलाइन के लिए हम रेडी कर सकते हैं, या पेंटिंग के लिए ये वाला कलर हम रेडी कर सकते हैं। ये मेटैलिक कलर में भी मिलता है, लेकिन ये वाला जो होता है इसकी फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा आती है, मेटैलिक कलर से इस वाले की फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा आती है। तो इसको हम किस तरह से आउटलाइन करेंगे, आइए बनाते हैं। इस तरह से हम आउटलाइन करेंगे गोल्डन के साथ। अगर आपको पेंटिंग नहीं आती तो स्टेंसिल के साथ तो आप कर लोगे, ब्रश के साथ भी कर लोगे, क्योंकि हमने नया कोई डिज़ाइन नहीं बनाना। उसके साथ साथ ज़रा ज़रा सी गोल्डन डस्ट इस तरह से गोल्डन कलर को लगाना है, इस तरह से एक्स्ट्रा साइड पे साफ कर देना है और इसको इस तरह से लगाना है। अगर आपने ब्रश के साथ पेंटिंग करनी ही नहीं है, या आपको आती नहीं है, या आपने सोचा कि नहीं भाई नहीं करनी है, तो आप इसको नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लगा लोगे तो इसकी जो खूबसूरती है उसको चार चांद लग जाएंगे, ये बहुत अच्छा लगेगा। अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कलर लगाइए, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कोई गोल्डन कलर पसंद करता है, कोई सिल्वर पसंद करता है, तो इसी तरह से सिल्वर डस्ट भी मिलती है, वो भी मेटैलिक में मिलती है, लेकिन मेटैलिक में वो वाली लुक नहीं निकलती। मैंने दोनों यूज़ किए हैं, मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, आप भी यही कीजिए। इसको बनाना बहुत आसान है, दो चीज़ें मिक्स करके। और एक बात और, जो मेटैलिक कलर है वो सूख जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, पड़े पड़े बॉटल में ही सूख जाते हैं, फिर वो किसी काम नहीं आते। और जो गोल्डन डस्ट है और इसके साथ जो बाइंडर मिलता है, चाहे कितना टाइम रख लो, एक साल रख लो, इससे ज़्यादा रख लो, वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी। मैं दोनों साइड लगा रही हूँ, चाहे आप एक साइड लगा लीजिए, जिस तरह से भी आपको अच्छी लगे। तो ये मैंने सारी गोल्डन आउटलाइन कर दी है, इस तरह से ये लगेगा। तो ये बन गया सिंगल कलर के साथ डिज़ाइन। इसको भी वैसे हमने टू कलर का ट्विस्ट दे दिया है, लेकिन स्टेंसिल के साथ हमने सिंगल कलर यूज़ किया है। अब हम बनाएंगे टू कलर के साथ डिज़ाइन यहाँ पे। अब हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। किस तरह से बनाएंगे, उसी तरह से आपने इसको टेप के साथ फिक्स कर लेना है। ये गुलाब के फूल हैं, तो इसको हम पिंक भी बना सकते हैं, येलो भी बना सकते हैं। तो किसी भी ट्रे में हमने लेने हैं कलर। अब हम दो कलर के साथ बना रहे हैं तो हम लेंगे दो कलर। ये मैं ले रही हूँ रेड कलर, कोई भी कलर लीजिए, गुलाब बना रहे हैं तो रेड में भी अच्छे लगेंगे, तो रेड कलर लेते हैं। सेकंड कलर हम लेंगे पत्तियों के लिए ग्रीन कलर। चार पाँच तरह के ग्रीन कलर आते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है या जो आपकी ड्रेस के साथ जा रहा है, वो वाला कलर लीजिए। ये लिया ग्रीन कलर। यहाँ पे हमने पहला डिज़ाइन बनाया है, इसको हम वॉश करेंगे। लेकिन मैं साथ के साथ ही वीडियो बना रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी
जगह ढूंढ लेती हूँ स्पंज में कहीं पे कलर लगाने के लिए, ये जगह मुझे मिल गई है यहाँ पे मैं लगाऊंगी। पहले मैं लूंगी रेड कलर, ये बनी बनाई भी स्पंज हमको मिलती है स्टेंसिल के लिए, लेकिन ज़्यादा चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपको जो भी स्पंज का टुकड़ा मिलता है ले लीजिए। इस तरह से कलर लग गया। जब हम ब्रश के साथ बनाते हैं ना पेंटिंग, तो उसमें कलर बहुत कम लगता है, इसमें कलर बहुत लग जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, ये है फूल, फ्लावर, मूर्ख वाला फूल नहीं। तो इस तरह से प्यार से हम सिर्फ फूल फूल पे, फ्लावर फ्लावर पे इस तरह से हम कलर लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो जाएगी, यहाँ पे कलर चला जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे हमने रेड कलर नहीं लगाना, वहाँ वहाँ पे आप सेलो टेप भी लगा सकते हैं। लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है ये, आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको ना टेप लगा ही लेनी चाहिए, फिर हिलने की टेंशन ही रहती, जैसे मुझे अब हो रही है। ये बन गए फूल फ्लावर गुलाब के। अब इसको उठा नहीं देना, अभी हम पत्तियां करेंगे कंप्लीट ग्रीन कलर के साथ। ये मैंने ग्रीन कलर लगा लिया, ढूंढ ली उसी स्पंज में से जगह और ग्रीन कलर लगा लिया, जहाँ जहाँ पे पत्तियाँ हैं और जहाँ पे डंडियाँ बची हैं। डंडियाँ मीन्स स्टेम्स। इस तरह से डैब डैब करके हमने पेंट करना है। ये बन गया। अब हम स्टेंसिल उठाएंगे और देखते हैं कैसे बनी है पेंटिंग। इस तरह से बन गई। इससे इजी तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहो तो इसकी तरह गोल्डन आउटलाइन इसकी भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो तो आपको बहुत ही इजी लगी होगी और उम्मीद है खूबसूरत भी लगी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो फिर कर दीजिए वीडियो को लाइक और आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब अभी कर दीजिए अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, और साथ में बनी घंटी को दबा दीजिए। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।